आशा दीदी, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सिखाती हूँ राजस्थान की फेवरेट डिश बेसन के टुकड़े बनाना। चलिए आइए मेरे साथ मैं आपको सिखाती हूँ। एक कटोरी बेसन लेंगे, एक कटोरी बेसन लेके इसको पानी से घोलेंगे। ध्यान रखेंगे कि पानी उसमें इतना डालेंगे कि डलिया ना पड़े। पहली बार में उतना ही डाला जाता है, क्योंकि अगर एक बार में ज़्यादा पानी डल जाएगा तो फिर इसमें डलियाँ हो जाती हैं, इसलिए पानी उसमें धीरे धीरे डालेंगे। बस पानी उसमें डालते रहेंगे और जैसे ही डलियाँ घुल जाएं उसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे इसको कितना मतलब पतला गाढ़ा करना है। ऐसे ऊपर करके देखेंगे कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो। पहले सबसे पहले हल्दी डालेंगे, एक आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून अजवाइन और हींग, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बस पहले सबसे पहले इतना ही काफ़ी है, अभी बस इतना ही डालेंगे। थोड़ा सा तेज रखेंगे, बाद में इसको कम कर देंगे। और अब इसको हम हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे हिलाएंगे और जब तक हिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह गाढ़ा ना हो जाए। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसलिए डलिया पड़ जाएंगी, बाद में भी पड़ सकती हैं डलिया, इसलिए इसको बराबर हिलाएंगे। और देखिए कितना हलवे ने सारा किनारे छोड़ दिए हैं। तो हम इसको देख टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर हम ऐसे ना समझ पाए तो एक तरह से प्लेट में निकाल कर देख लेंगे और टेस्ट करेंगे। अगर इसमें कच्चा स्वाद आ रहा है तो थोड़ी देर और ढक के रखेंगे और बीच में हिलाते रहेंगे, और अगर पक गया है तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे और हलवे को प्लेट में ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और आराम से चम्मच की सहायता से थाल में धीरे धीरे इसको ठंडा करेंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको ठंडा करने के लिए। इसके बाद इसमें स्क्वायर स्क्वायर पीस बना के काट लेंगे। हमने इसमें सरसों का तेल डाला है, आप अगर चाहो तो इसमें आप अपनी पसंद से तेल भी डाल सकते हो। जीरा डाला है एक चम्मच, उसके बाद हम हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप अगर लहसुन खाते हो तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, पहले बिना लहसुन की सब्ज़ी बनाइए। इसमें आप लहसुन पे अदरक पेस्ट, उसके बाद हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा हुआ, प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज का पेस्ट तब तक हिलाते रहना है जब तक वो गोल्डन ना हो जाए, अच्छे से गोल्डन होनी चाहिए, अच्छा टेस्ट आता है। और फ्लेम बिल्कुल धीमी रखनी है, क्योंकि धीमी आँच पे जब हम इसको बनाएंगे तो प्याज बहुत अच्छा टेस्ट देती है। टमाटर का पेस्ट डालेंगे, टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें अब बारी आती है मसाला डालने की, इसमें अब मसाला डालेंगे। धनिया सूखा पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच हींग थोड़ी डालनी है। सारे मसाले अच्छे से भूनना है। एक चम्मच कसूरी मेथी डालनी है और अब इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसमें जाली ना पड़ जाए और तेल ना छोड़ दे। अब इसमें हम भूनने के बाद पानी डाल देंगे। पानी उतना डालेंगे कि हमने वो जो बेसन के क्यूब बनाए हैं वो ना तो ज़्यादा पतले रहें ना ज़्यादा गाढ़े हो। और इस पानी को ढक देंगे, पानी को कम 10 से 15 मिनट ढकने के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखिए हमारा ये तैयार है उबल के। जब हम इस पानी को उबाल रहे होंगे तो शुरू में हम फ्लेम तेज रखेंगे, उसके बाद कम कर देंगे। अब इसमें हम अपने क्यूब डाल देंगे। क्यूब डालने के बाद देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के तैयार होने वाली है। और ना तो हमने पानी ज़्यादा डाला है ना कम डाला है, एकदम बिल्कुल बढ़िया पानी डाला है, फर्स्ट क्लास। और आधा चम्मच सब्जी मसाला डालें और अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद हमारे
सब्जी तैयार है और खा के बताइए कैसा स्वाद है। लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और जो नीचे लाल रेड कलर का बटन है प्लीज़ उसको दबाइए और हमें बताइए कि हमारी सब्ज़ी कैसी लगी टेस्ट करके। धन्यवाद।